हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन आरसी एजुकेशन अब ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज अपन जो बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो नया टॉपिक है अपने पास में इसी चैप्टर के अंदर, चट्टानों का अपक्षय। क्या है? चट्टानों का अपक्षय। अब जो चट्टानों का जो अपक्षय होते हैं, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि चट्टानें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। और अपन ने पहले पढ़ा था कि चट्टानें जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? तीन प्रकार की। कौन कौन सी हैं अपने पास में? फर्स्ट है आग्नेय चट्टान, दूसरी कौन सी है? औसादी चट्टान, और तीसरी वाली कौन सी है? कायांत्रित चट्टान। कौन सी है? कायांत्रित चट्टान। तो अपने तीन टाइप की चट्टानें देखी हैं, उनमें अगर बात करें तो चट्टानें होती हैं वो टूटती कैसे और टूटने के फलस्वरूप क्या बनाती हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, उनकी अगर बात करें तो चट्टान आपके पास में है उनका टूटने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। इसका मतलब है चट्टानों का भौतिक या रासायनिक या जैविक कारकों के द्वारा टूटना व पैतृक पदार्थों का निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है? चट्टानों का अपक्षय कहलाती है। तो ये चट्टानों का जो अपक्षय है क्या कहलाएगा, वो अपन यहाँ पर देखें, टूटना या पैतृक पदार्थों का निर्माण होना। इसका मतलब चट्टानें जो होती हैं अगर ये टूटती हैं इनसे क्या प्राप्त होता है? अगर चट्टानों की अगर बात करें तो अगर ये टूटती हैं तो अपने को क्या प्राप्त होगा? ये जो अपने पास में पदार्थ हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? पैतृक पदार्थ। क्या बोलेंगे इनको? पैतृक जो पदार्थ होते हैं, पैतृक पदार्थ। और पैतृक जो पदार्थ हैं कार्बनिक हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, उनका निर्माण होता है। पैतृक जो पदार्थ होते हैं इन्हीं से अपने किसका निर्माण होता है? वो बनता है मृदा प्रोफाइल। क्या बनती है? मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है। यानी मिट्टी जो होती है मृदा प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदी का जो पहले पढ़ा था उसका निर्माण हो जाता है। लेयर्स जो बन जाती थी, ए लेवल ओ है, ए वाली बी वाली, ये मृदा प्रोफाइल में है। और मृदा प्रोफाइल से ही किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। इसका मतलब है चट्टानों का अपक्षय होने से किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण। तो अपने पास में पढ़ने वाले मृदा का जो निर्माण होता है, सोयल फॉर्मेशन होता है, वो किस प्रकार से होता है? ये सोयल फॉर्मेशन मृदा का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? चट्टानों के अपक्षरण के फलस्वरूप होता है। इनका अपक्षय होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? चट्टानों का। पैतृक पदार्थ में टूटेंगी चट्टानें, जो बड़ी बड़ी सी चट्टानें होती हैं, स्थायी जो चट्टानें होती हैं, ये कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण से चट्टानें टूट करके और ये छोटे पदार्थों में टुकड़ों के अंदर डिवाइडेशन हो जाते हैं? पैतृक पदार्थ जिनको अपन कहते हैं, ये पैतृक पदार्थ है जो पिंड बन जाते हैं, प्राकृतिक पिंड अपने पास में बन जाते हैं। ये कैसे बन जाते हैं? पैतृक पदार्थ कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कैसे होती हैं? ये कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ मृदा प्रोफाइल कैसे बनाते हैं? मृदा प्रोफाइल में कन्वर्ट कैसे होते हैं? लेयर्स जो अपने पास में बन जाती है, वो लेयर्स का निर्माण कैसे होता है, ये मृदा प्रोफाइल के अंदर है। और मृदा प्रोफाइल क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। अपन देखते हैं मिट्टी के जो लेवल्स हैं वो मृदा प्रोफाइल बनाते हैं, इससे पैतृक पदार्थ जो चट्टानें बन जाती हैं, उल्टा क्रम के अपने पास में चलता रहता है। ये वाला ये बनाएगा, ये यहाँ से वापस चट्टानें, ये वापस बनेगी, निर्माण होगा इनका। वापस अगर इनको ब्रेक करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो वापस अपने को यही पदार्थ मिल जाएगा। और लास्ट वाला पदार्थ कौन सा रहेगा? मिट्टी, मृदा। तो ये आधार होता है, क्या होता है? बेस होता है चट्टानों से इसका निर्माण होता है। अब ये मृदा का जो अपक्षय होता है ये कितने प्रकार से हो सकता है? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मृदा का अपक्षरण करते हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो ये तीन कारक है। कितने कारक अपने पास में? तीन कारक ऐसे हैं जो मृदा का अपक्षय करते हैं। कौन कौन से भाई? उनकी अगर बात करने वाले हैं विस्तार से इनको अपन पढ़ेंगे। ये तीन कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर बात करें मृदा के अपक्षय कारकों की, तो पहला जो आपके पास में जो कारक है वो है भौतिक। कौन से भौतिक जो कारक होते हैं वो कौन कौन से हैं? भौतिक कारक।
भौतिक कारकों के द्वारा भी मृदा का अपक्षय होता है। तो भौतिक अपक्षय जो होता है वो किस टाइप से होता है, भौतिक कारक या भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय जो होते हैं वो किस प्रकार से होता है, दूसरा आपके पास में है वो है रासायनिक अपक्षय। कौन सा होता है, रासायनिक अपक्षय। तो ये कहलाता है रासायनिक अपक्षय। ये आपके पास में दूसरा कारक है, ये वाला है दूसरा प्रकार है इसका। कौन कौन से अपने पास में प्रकार हो सकते हैं चट्टानों के, वो है रासायनिक अपक्षय भी हो सकता है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी इसका अपक्षय हो सकता है। और तीसरा आपके पास में है जैविक अपक्षय। तीसरा कौन से है, जैविक अपक्षय। इसका मतलब जैविक जो पदार्थ होते हैं जैसे अपने पास में कोई जीवाणु वगैरह हैं या बैक्टीरिया, सॉरी जीवाणु है, वायरस है, एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह जो रखे हैं या कवक वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा भी क्या होता है चट्टानों का अपक्षय होता है। तो पहले अपन जो सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन पढ़ने वाले किसको, भौतिक अपक्षय किस प्रकार से होने वाला है इसको अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आपके पास में आने वाले हैं अपक्षय का प्रकार है वो कौन से वाले हैं, फर्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय देखिए आप किस टाइप से करेंगे। भौतिक अपक्षय में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भौतिक अपक्षय करते हैं, तो आप देखिए तो प्रकृति के अंदर मुख्य रूप से कारक होते हैं जैसे तापमान। तापमान अगर ज्यादा है तो ये भी चट्टानों को तोड़ने में काम आता है। कौन, टेम्परेचर की बात करेंगे। इसके अलावा वायु जो होती है ये भी चट्टानों को तोड़ने में काम आती है, इसकी अपन बात करेंगे। इसके अलावा जो बर्फ होती है, बर्फ बर्फ भूस्खलन जिसको अपन कहते हैं, ये भी इनको तोड़ने का कार्य करती है। ये जो मुख्य अपने पास में कारक है, ताप है, बर्फ है। इसके अलावा अगर बात करें जो दाब होता है, दाब दाब अगर अपन बढ़ाते हैं तो भी चट्टानें क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ताप और दाब है, वायु है, बर्फ है, ये है। इसके अलावा जो प्राकृतिक जो अपने पास में है, कौन प्राकृतिक, जैसे आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली के द्वारा भी क्या हो जाते हैं, आकाशीय जो बिजली होती है ये भी चट्टानों को तोड़ने का कार्य करती है। ये मुख्य रूप से अपन जो पांच कारक हैं इनको अपन पढ़ने वाले हैं भौतिक अपक्षय के अंदर। फर्स्ट आपके पास में कौन सा, टेम्परेचर, तापमान जो होता है। आप सभी जानते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान को अपन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चट्टानों की टूटने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, तापमान अगर अपन बढ़ाते हैं, किस चीज़ को अपन गर्म करते हैं, तापमान का मतलब क्या होगा, गर्म करेंगे। और गर्म करने का मतलब गर्म कैसे होंगी चट्टानें, गर्म चट्टानें हैं कहीं पर, चट्टानों के ऊपर जो पहाड़ वगैरह चट्टानें हैं वहाँ पर अगर जंगल है, वहाँ आग लग गई है, आग लग गई तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, चट्टानें जो होती हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, चट्टानों का अपक्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अपक्षय भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ओके, बात करें वायु की, दूसरा जो आपके पास में कारक है वो कौन सा है, वायु। वायु जो होती है अपन सभी जानते हैं मोस्टली मृदा वायु के रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है, मृदा वायु के रूप में होती है। और मृदा वायु जो होता है मिट्टी के अंदर होता है, चट्टानों के अंदर भी जो वायु होती है वो पाई जाती है। अभी जो अपने पास में वायु है, हवा के तेज झोंके वगैरह है, ये है तूफान वगैरह जो आ जाते हैं, अभी अपन ने देखा जाता है तूफान है, इस टाइप के कई टाइप के तूफान है, टाइफून वगैरह है, ऐसे जो तूफान आते हैं चक्रवात जो अपन कहते हैं, उन चक्रवातों के थ्रू भी क्या होता है, चक्रवात के थ्रू भी चट्टानों का क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है। ठीक है, तो वायु भी जो होती है ये भी एक कारक होता है भौतिक अपक्षय करने के लिए, इसका भी योगदान होता है। तीसरा कारण होता है आपके पास में बर्फ। बर्फ जो होती है आप देखते हैं जहां पर भी चट्टानों के पहाड़ों के ऊपर क्या होता है, बर्फ जमी हुई रहती है। और बर्फ जो जमी हुई अवस्था के अंदर पाई जाती है तो बर्फ क्या करती है, काफी ठोस प्रवृत्ति की है और ये क्या करती है, चट्टान से आपस में टकराती है। इसको भूस्खलन क्या बोलते हैं, इसको भूस्खलन जो अपन कहते हैं, भूस्खलन जो होता है, ये भूस्खलन क्या होता है, चट्टानों का जो खिसकना होता है, चट्टानें खिसक रही है, उत्तराखंड वगैरह अपन देखते हैं, केदारनाथ में जो बाढ़ वगैरह आई थी, ये बर्फ जो होती है, ये बर्फ की भूस्खलन जिसको अपन कहते हैं, ये भूस्खलन के फलस्वरूप क्या होता है, चट्टानों का क्षरण होना स्टार्ट होता है, चट्टानें टूटना स्टार्ट कर देती है। ये कारक इसके अंदर आता है
दाब के अंदर बात करें तो दाब जो होता है वो देखते हैं पृथ्वी से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं, तो दाब जैसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल अवस्था में अपन देखें तो चट्टानों के अंदर है वो ठोस प्रवृत्ति बढ़ती हुई जाएगी। और कई चट्टानें ऐसी होती हैं भंगुर प्रवृत्ति, कैसी होती हैं भंगुर प्रवृत्ति, जैसे पत्थर के पास अपने पास में होते हैं उसको चोट करते हैं तो बार बार चोट करेंगे तो क्या होगा वो टूटने की प्रवृत्ति इसके अंदर आ जाएगी, दाब बढ़ाते जाएंगे एक लिमिट तक दाब ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या होगा वो चट्टान साइडों के अंदर खिसक जाती है या फिर अपना स्थान छोड़ देती है, इसका मतलब दाब बढ़ाने से क्या होगा चट्टानों का अपक्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट कारक है आकाश से जो बिजली होती है, कई बार बिजली वगैरह अपन देखते हैं बिजली गिर गई तो कहीं ना कहीं चट्टानों पर अगर बिजली तड़ित जो होती है अगर वो कहीं ना कहीं गिरे तो उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कड़कड़ाहट से जो होता है वो क्या होता है जो कम कठोर प्रवृत्ति की जो चट्टानें होती हैं वो दरारें या अपक्षय की प्रवृत्ति को दर्शाने लगती हैं। ये भी अपने पास में एक कारण है कौन सा, आकाश से जो बिजली होती है ये भी चट्टानों के अपक्षय में योगदान देती है। ये स्टूडेंट्स अपन ने देखा है चट्टानों का जो अपक्षय होता है तीन प्रकार का होता है मोस्टली, और अपक्षय का मतलब क्या होता है टूटना, क्या होता है टूटना, अपक्षय का मतलब क्या पढ़ा था अपने चढ़ी पढ़ा था टूटना होता है, छोटे छोटे पैतृक पदार्थों में टूट जाती है। तो ये अपने देखा कितने टाइप से होता है मोस्टली, अपक्षय तीन टाइप से होता है भौतिक रासायनिक और जलवायु कारकों के द्वारा ये होने वाला है। सबसे पहले अपन ने जो कारक पढ़ा है कौन सा है भौतिक अपक्षय, कौन सा पढ़ा अपन ने भौतिक अपक्षय कारक को अपन ने यहाँ पर पढ़ा है, उसमें मुख्य कौन कौन से कारक है जो भौतिक अपक्षय में काम आते हैं, भौतिक दाब जानते फिजिकली कौन कौन से ताप दाब वायु वगैरह है आकाशीय बिजली वगैरह, ये भौतिक कारक होते हैं जो मुख्य रूप से चट्टानों को तोड़ने में तोड़ने का कार्य करते हैं तोड़ने में हेल्पफुल होते हैं, ये अपन इसके अंदर देखा है। नेक्स्ट वाले अपन जो बात करेंगे भौतिक अपक्षय के अलावा दूसरा अपने पास में कारक है कौन सा, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय कैसे होते हैं उसकी बात अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए अपन ने देखा है चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होते हैं। ओके थैंक यू।